Hey guys, welcome back to a new video. Realme 6 6i and Realme Narzo 20 के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना करके दी थी कि C.06 और C.09 का जो अपडेट है वो Realme ने रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है. लेकिन पिछले कल आपको Realme 6 6i एंड Realme Narzo 20 में जो नया अपडेट है C.10 का और उसके साथ आपको नया अपडेट C.07 का दोनों ही डिवाइसेस के लिए Realme ने रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है. और आप सब लोग यहां पर कंफ्यूज हो, इतना बड़ा साइज और किसी को इतना छोटा साइज कैसे देखने को मिला, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करूं. तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग अपने चैनल के ऊपर पहली बार आया हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अब दोस्तों सबसे पहले बात की जाए Realme 6 एंड 6i के अपडेट की. जो C.07 का आपको अपडेट देखने को मिला, कुछ यूजर को इसका साइज देखने को मिला 109 MB देखने को मिला और कुछ को आपको जो साइज देखने को मिला 2.94 GB देखने को मिला. बेसिकली ये जो अपडेट है आप सभी यूजर को देखने को मिलेगा. आप लोग चाहे Realme UI 1.0 के ऊपर हो चाहे Realme UI 2.0 के ऊपर हो, लेकिन जो यूजर Realme UI 2.0 के ऊपर था यानी कि जिन्होंने पहले अपने डिवाइस में C.06 का अपडेट रन कर लिया था, अपडेट कर लिया था, उनको जो ये अपडेट देखने को मिलेगा C.07 का वो आपको 100 या 200 MB का देखने को मिलेगा. लेकिन जो यूजर Realme UI 1.0 से आएगा उसको इतना बड़ा 2.94 GB का जो साइज है वो देखने को मिला. साइज के बारे में आप लोगों का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा. तो अब बात की जाए इस अपडेट के चेंज लॉक की. तो चेंज लॉक अगर आप लोग देखें तो आपको जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिलेगा अप्रैल मंथ का और इसके साथ छोटे मोटे बग्स Realme ने फिक्स किए हैं. आपको कुछ भी इस अपडेट में देखने को नहीं मिलता. वेल मुझे C.07 का अपडेट मिल गया है, टेस्टिंग हो रही है, 2-3 दिन वेट करो. Realme 6 एंड 6i में जो C.07 का अपडेट आया है उसका पूरा फुल रिव्यू, बैटरी रेंजिंग टेस्ट, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. तो स्टे ट्यून, जल्दी आपको Realme 6 एंड 6i के पूरे C.07 अपडेट की जो फुल रिव्यू है वो देखने को मिल जाएगा. अब दोस्तों ये तो बात हो गई Realme 6 एंड 6i की. सो अब बात की जाए Realme Narzo 20 की, क्योंकि उसमें भी आपको C.09 का अपडेट आया था और उसके बाद आपको C.10 का अपडेट देखने को मिल गया और इसका भी साइज आपको 2.82 GB देखने को मिल रहा था. तो फाइनली जैसा कि मैंने आपको Realme 6 के बारे में बताया, सेम यही होगा कि जो यूजर Realme UI 1.0 के ऊपर थे उनको ये अपडेट जो है वो 2.82 GB का देखने को मिलेगा और जो Realme UI 2.0 के ऊपर थे जो ये अपडेट है 2 या 300 MB का देखने को मिलेगा. अब इसके भी चेंज लॉग की बात करें तो सेम यही चेंज लॉग देखने को मिलता है, कोई भी फीचर्स ऐड नहीं हुए. अगर आपको इन अपडेट्स के रिव्यू देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जो कि Realme 6 एंड 6i या Realme Narzo 20 के अपडेट्स की, इन्हीं अपडेट्स की पूरी फुल रिव्यू की वीडियो है. तो आप लोग जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो. सो आई होप आपके जो डाउट्स हैं इन अपडेट्स के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे. कोई भी आपको यहां पर मेजर फीचर्स ऐड नहीं हुआ है इन दोनों ही अपडेट्स में, बट Realme ने मई मंथ का जो अपडेट था वो आप सभी यूजर के लिए प्रोवाइड करवा दिया. अब दोस्तों ये तो बात हो गई अपडेट्स की. अब बात की जाए Realme एंड Oppo डिवाइस की, जो भी सिस्टम एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती हैं आप लोग इनको कैसे अपडेट करें, चाहे वो आपकी डिवाइस की कोई भी सिस्टम एप्लीकेशंस हो Realme एंड Oppo डिवाइस की, तो सिंपली से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में Realme सिस्टम ऐप अपडेटेड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा. आपको जाकर के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है. यहां पर आपको Realme एंड Oppo डिवाइस की जितनी भी सिस्टम APK होती हैं वो सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं, चाहे गेम स्पेस हो जाए, चाहे फोन मैनेजर हो जाए, चाहे थीम स्टोर हो जाए, और भी आपकी स्क्रीनशॉट APK, फोटोज APK और जो भी सिस्टम APK आपको देखने को मिलती हैं वो सबसे पहले आपको इसी ग्रुप में जाकर के देखने को मिलेगी. और जो अनदर ग्रुप्स हैं वो यहीं से APK उठाते हैं और अपना टैग लगा करके शेयर कर देते हैं. तो फेक ग्रुप से आपसे बचना है. उनकी एप्लीकेशन में आपको मॉलवेयर भी देखने को मिल सकता है, आपका डाटा भी लीक हो सकता है, लेकिन यहां पर जो आपको APK देखने को मिलेगी, ऑफिशियल जो APK आती हैं Realme एंड Oppo स्टोर में, ऐप मार्केट में, वही शेयर किए जाते हैं. सो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना. मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.